मेरी तरफ से सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो स्टेट की बसों की वर्कशॉप के अंदर मैकेनिकल टेक्नीशियन लगना चाहते हैं, जो अपनी खुद की कार की या बसों की या ट्रकों की रिपेयर वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, कोस्ट गार्ड के अंदर डायरेक्ट मैकेनिकल ब्रांच के अंदर वो भर्ती होना चाहते हैं, यदि फॉरेन कंट्री में आना है, वेस्टर्न कंट्री में आना है आपको अपनी वर्कशॉप खोलने के लिए या आपको ट्रक ड्राइवर बनने के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत लाहेवंद है। ये कोर्स भारत सरकार की तरफ से हर साल अपने ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू करवाया जाता है। हर बड़े शहर के अंदर एक एक ITI होती है। इसके अंदर लड़के लड़कियां, मैरिड अनमैरिड सभी को परमिशन होती है। आपकी कम से कम आयु 16 साल, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अंदर वो भी लड़के और लड़कियां आ जाते हैं जो जिनके ससुराल वाले उनको तंग कर रहे हैं और उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, या उनके घर वाले नशा करते हैं उनको खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं, वो सभी इसके अंदर कवर्ड होते हैं। भारत के अंदर आपने जॉब लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है या प्राइवेट नौकरी लेनी है, चाहे किसी कार एजेंसी में काम करना है, जीप एजेंसी में काम करना है, बसों की एजेंसी में काम करना है, एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पे काम करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक चाहिए। यदि आपने वेस्टर्न कंट्रीज में आना है फ्यूचर में, तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए। सबसे ज़्यादा इसके अंदर सुविधा क्या होती है, ये कोर्स एक साल का होता है और इसका जो एडमिशन होता है वो हर साल जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में भारत सरकार के थ्रू किया जाता है। ये सर्टिफिकेट भारत सरकार का है, सभी देशों में ये वैलिड है, मान्यता प्राप्त है। और भारत सरकार के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यदि आपने जॉब करनी है, प्लस इसके अलावा यदि आप इसके आगे पढ़ना भी चाहोगे, तो ITI के बाद में डिप्लोमे के 3 साल का होता है, पर 1 साल उसके अंदर माफ होता है, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए काबिल हो जाते हो। इस कोर्स के थ्रू आपको ये सिखाया जाता है कि देखो, आजकल वो पुराना ज़माना तो रहा नहीं है। पहले क्या होता था कि हम लोग इंजन के सभी पार्ट को खोलना, रिपेयर करनी, आजकल तो बहुत आसान तरीके रह गए हैं। जब गाड़ी आती है तो उसकी सर्विस होनी होती है, एयर फिल्टर चेंज करना है, लूब ऑयल फिल्टर चेंज करना है, मोबिल ऑयल चेंज करना है, उसका पोल्यूशन चेक लेवल चेक करना है। तो स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज हैं और इंडिया में भी, आपने देखा होगा कि हर गाड़ी के शीशे के लेफ्ट हैंड साइड ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है, आपने सर्विस कितने किलोमीटर के ऊपर की है, नेक्स्ट सर्विस का ड्यू है, आप उसके ऊपर लिख देते हो, तो ऑनर खुद ही गाड़ी चला के अपने पास आ जाता है तो आपसे सर्विस कराता है। तो मोस्टली मोटा मोटा काम रह गया है, जो ब्रिकी वाले काम थे जी, इसका टैप का क्लीयरेंस चेक करना है, इसके पिस्टन चेंज करने हैं, इसके रिंग चेंज करने हैं, वो काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं, मोस्टली गाड़ियाँ बैटरी ऑपरेटेड आ रही हैं जिसके अंदर इंजन का भी सिलसिला ख़त्म हो गया है। तो इसलिए यदि आप इन कोर्स में दाखिला लेना चाहते हो, या आर्मी, नेवी, एयर फोर्स की मैकेनिकल ब्रांच में डायरेक्ट एंट्री के तौर पे भर्ती होना चाहते हो, किसी बड़े हॉस्पिटल में की वर्कशॉप के अंदर एम्बुलेंस रिपेयर वर्कशॉप, या किसी भी हॉस्पिटल में फर्नेस टेक्नीशियन के तौर पे लगना चाहते हो, तो एलिवेटर्स जो होती हैं, लिफ्ट, आपने देखा होगा कि आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें होती हैं जिसको हम बाहरले देश के अंदर हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं, तो इनके अंदर जो लिफ्ट इरेक्ट करते हैं वो सभी मैकेनिकल साइड से होते हैं।
और इसको भारत में चाहे डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या कार मैकेनिक कहा जाता है, हमारे कनाडा में इसको ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है कि देखो, चाहे आप अभी गरीब परिवार से हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो, आप यहाँ के करोड़पति भी बन सकते हो। होता क्या है कि आपको अलग अलग देश की सरकारें और बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको कुछ सुविधाएं देती हैं, आप बिना पैसे के अपनी वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आपने सुना ही होगा कि कनाडा में और अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह लगभग 5 लाख रुपए महीना होती है, जबकि इतनी तनख्वाह किसी इंजीनियर या पायलट को भी नहीं मिलती है। और यहाँ पे ट्रक उस तरीके से नहीं चलाए जाते हैं जैसे भारत में होता है कि ये एक बार पंजाब से चले तो बम्बे चले गए तो 5 दिन जाने के लगे, 5 दिन आने को लगे, तो आपकी फैमिली लाइफ नहीं है। पर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर मोस्टली आप घर पे शाम को वापस डेफिनेटली चले जाते हो, नहीं जाते हो तो आप, आपका अपना ट्रक है तो आप 53 फीट लंबा ट्रक होता है, एक उसके अंदर 2 ड्राइवर होते हैं, उसके अंदर ही किचन होती है, उसके अंदर ही वॉशरूम होता है, सब कुछ सेल्फ कंटेन्ड होता है। तो आप 1-2 साल फॉरेन कंट्री में आकर एज ए ट्रक ड्राइवर जॉब कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा के, घर बार बना के। और स्पेशली इस साल नवंबर में प्रोग्राम आ रहा है कनाडा के अंदर कि आपकी जो ड्राइवर है उसको सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों के समेत और परिवार के समेत कनाडा में आ सकते हो। तो एक इसका इंग्लिश का जनरल लेवल जो है वो कम होता है, इसमें जनरल के अंदर मिनिमम 4 बैंड ही चाहिए होते हैं, 5 ले लोगे अच्छी बात है, नहीं तो 4 तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप बिना हेरा फेरी के, बिना रिश्वत दिए, बिना सिफारिश लगाए आप वेस्टर्न कंट्री में जा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी सहूलत सरकार की तरफ से आपको दी गई है, इसका लाभ लेने की ज़रूरत है। और यदि आप इससे अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हम जो कनाडा के लोग हैं, हमने एक वहाँ पे एक सेंटर खोल के दिया है जिसका नाम कनेडियन ITI है। ये पटियाला शहर पंजाब में है जो लगभग 70 किलोमीटर चंडीगढ़ से है। तो आप वहाँ मॉर्निंग 10 o'clock से शाम के 4 बजे तक दो फ़ोन नंबर है 9815101148, 9815101148 उनसे बात कर सकते हो। अगर आप मेरे से कनाडा में बात करना चाहते हो, कनाडा और इंडिया की घड़ियों का 12 घंटे का टाइम गैप है, यदि इंडिया में रात है यहाँ दिन है, यदि यहाँ रात है तो वहाँ इंडिया में दिन है, तो आप सैटरडे और संडे को शाम को 8 बजे के बाद इंडिया के टाइम के ऊपर मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हो। मैं आपको बिना पैसे लिए, बिना हेरा फेरी किए, जो कनाडा के कानून मुताबिक जानकारी है मैं दूंगा, या आप डायरेक्ट यदि आपको इंटरनेट आता है तो www.cic.gc.ca के ऊपर जाकर ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो ग्रहण कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल यदि आपको ठीक लगता है। थैंक यू।